वन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप यहां पर देख सकते हैं आज यहां पर एक वीवो का हैंडसेट है। इसका जैसे मैंने पावर बटन दबाया तो वीवो लिख के आया और फिर चला गया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि वीवो आया और ये फिर से यहां देखिए चला गया। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन हो गया है अभी, और इस प्रॉब्लम को आप बनाने जाएंगे तो आपको हज़ारों का खर्चा आ सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो अब हम इस पे जो है चार्जर इंसर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पे मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया हूँ। अब थोड़ा देर वेट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये चार्जर कनेक्ट करके ऑन करने से मोबाइल प्रॉपर तरीका से ऑन हो चुका है, जो पहले नहीं हो रहा था। अब हम इसके कोई सा एप्लीकेशन खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए आप कैमरा खोलेंगे, यहाँ पर देखिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए जैसे हमने कैमरा को ओपन किया तो ये मोबाइल जो है फिर सेम कंडीशन पर आ गया है, फिर वही वाला प्रॉब्लम आ गया है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फ़ोन को खोलना होगा। दोस्तों ये वीवो का फ़ोन है, आप कोई सा भी फ़ोन में इस तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो इसी तरह से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल को खोलने के लिए सबसे पहले इस बैक पैनल को हमको रिमूव करना होगा। इस बैक पैनल में ग्लू लगा हुआ रहता है चारों तरफ से, तो इसको थोड़ा थोड़ा हीट करना होगा। हम हॉट एयर गन से जो है इसको हल्का हल्का हीट देके इसको ग्लू को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। दोस्तों हीट हो चुका है। अब हम ब्लेड की मदद से जो है इस पैनल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे करके इस बैक पैनल को रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पैनल जो है रिमूव हो गया है। अब इसके नीचे स्क्रू लगा हुआ है तो इस स्क्रू को भी खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों स्क्रू खोल लेते हैं। दोस्तों आप ये प्रॉब्लम जो है फ्री में अपना घर पर ही बना सकते हैं, नहीं तो आपको हज़ारों का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फ़ोन का बैटरी जो है मैंने रिमूव करके बाहर निकाल दिया है। दोस्तों एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इस फ़ोन का बैटरी में प्रॉब्लम है। इस पे एक किसी एक थर्मल रेजिस्टर लगा हुआ रहता है, जिसके ख़राब होने से जो है आपका मोबाइल में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो आपको बैटरी ही चेंज करना पड़ेगा। तो बैटरी चेंज करने में आपको बहुत सा खर्चा लग सकता है, हज़ारों का खर्चा आ सकता है। अगर कहीं रिपेयर भी करवाने जाएंगे तो आपको हज़ारों का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्टर है उसका दोनों सिरा पे मैंने एक जम्पर लगा दिए हैं। इस तरह से आपको भी जम्पर लगा देना होगा। अब इस बैटरी को कनेक्ट करके तो आप यहां पर देख सकते हैं इस मोबाइल पर हम इस बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका पावर बटन मैंने यहाँ से दबाने के बाद मोबाइल ऑन हो रहा है। तो दोस्तों पहले ऑन करने से इतना देर नहीं रुकता था, अभी देखिए काफ़ी देर से ये रुका हुआ है। तो देखिए अभी ये पावर बाय एंड्रॉयड भी चला गया है, वीवो पे है, लोगो पे है, अभी मोबाइल ऑन हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना चार्जर कनेक्ट किए हुए हमारा जो मोबाइल है प्रॉपर तरीका से ऑन हो चुका है। अब हम इस पे जो है जैसा एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो दोस्तों हम कैमरा ओपन कर लिए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कैमरा जब ओपन करता था तो ये मोबाइल जो है फिर सेम कंडीशन पे चला जाता था, रिबूट होने लगता था। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है, अब मोबाइल प्रॉपर तरीका से चल रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है दोस्तों आप घर पर ही बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय दोस्तों।